टाटा हैरियर का ना ये सेकंड बेस वेरिएंट है प्योर प्लस। अगर आप कहोगे नहीं ये तो सेकंड है, देखो मैं इसके अंदर वैरायटी बताता हूँ। स्मार्ट है, स्मार्ट के अंदर में भी आप लोगों को दो तीन वेरिएंट्स मिल जाते हैं, और जो प्योर आते हैं प्योर के अंदर में भी आप लोगों को दो तीन वेरिएंट मिल जाते हैं। लाइक प्योर आता है, प्योर ऑप्शनल आता है, प्योर प्योर प्लस आता है, और एक प्योर प्लस एस जो है वेरियंट आता है। ये खड़ा हुआ है इसका प्योर प्लस वेरियंट। अगर आप इस गाड़ी को ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में लेना चाहते हो ना, तो ये गाड़ी प्योर वेरियंट से स्टार्ट होगी, उससे नीचे आप लोगों को किसी वेरियंट के अंदर में ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा। यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ये गाड़ी का बेस वेरिएंट यहाँ पे खड़ा हुआ है। प्योर प्लस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में गुड़गांव हरियाणा में 22,65,000 रुपये कॉस्ट करता है। अगर आप इस गाड़ी को मैनुअल ट्रांसमिशन लेते हैं तो ये आप लोग की 1.5-1.5 लाख रुपये जो है सस्ती बैठती है, अगर आप प्योर प्लस वेरियंट को कंपेयर करते हैं तो। आज की वीडियो में बताऊंगा कि इस प्योर प्लस वेरियंट में आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें मिल जाती है, कैसे क्या फीचर्स मिलते हैं। अगर आप टाटा की कोई भी गाड़ी जल्द से जल्द और अच्छे रेट में लेना चाहते हैं तो डीलरशिप का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो नीचे स्क्रीन पे मैं शो कर दूंगा। प्योर प्लस वेरिएंट के अंदर में क्या है, आप लोगों को सिर्फ हेडलाइट मिलती है, फोग लाइट जो है यहाँ पे नहीं आती है, और एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट जो है गाड़ी के अंदर में आ जाती है, और पूरे कनेक्टिंग वाले डीआरएल जो है आप लोगों को इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं, और जो इंडिकेटर है वो यही पूरा साइड वाला पार्ट ही ग्लो करता है। इस वाले वेरियंट के अंदर में कोई आप लोग को फ्रंट में पार्किंग सेंसर या फिर कैमरा नहीं मिलता है, और नीचे की तरफ में आप देख रहे हो ना रडार, ये रडार नहीं लगा हुआ है, ये सिंपल यूँ ही प्लास्टिक सा दिया हुआ है बस शो के लिए, और ना ऊपर की तरफ में कोई कैमरा इस गाड़ी के अंदर में लगा हुआ है। इस गाड़ी के अंदर में वैसे तो एडास आ जाता है, पर इस वाले वेरिएंट के अंदर में कोई आप लोग को एडास नहीं मिलता है। गाड़ी की जो भाई ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी आप लोग काफ़ी अच्छा मिल जाता है, और जो ये गाड़ी आती है ये आपकी 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में आती है। अभी भी इस गाड़ी के अंदर में सिर्फ डीजल इंजन ही आप लोग को मिलेगा, पेट्रोल इंजन जो है इस गाड़ी के अंदर में नहीं आता है, और जो DEF है वो इसकी बूट में से भरा जाता है, वो दिखा दूंगा कहाँ से फिलअप होता है। इस गाड़ी के अंदर में क्या है, आप लोग को यहाँ पे अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, MRF के टायर्स हैं, और जो इनका सेक्शन यहाँ पे मिलता है 235/65R17 इंच का मिलता है। गाड़ी में क्या है, सिर्फ फ्रंट ही डिस्क आता है इस वाले वेरिएंट के अंदर में, पीछे की तरफ क्या है यहाँ पे आप लोग को ड्रम ब्रेक ही मिलता है, और जो गाड़ी की फ्यूल लिड है वो यहाँ लेफ्ट साइड में दी गई है, जो कैसे बाहर से दबाने से ओपन यहाँ पे हो जाती है। रिक्वेस्ट सेंसर भी आप लोग को मिल जाता है गाड़ी को लॉक एंड अनलॉक करने के लिए, सिर्फ ड्राइवर साइड ही मिलता है। जैसे गाड़ी के जो डोर हैंडल्स हैं वो आप लोग को बॉडी कलर ही मिलेंगे, वहीं जो गाड़ी के ORVMs हैं ये यहाँ पे आप लोग को पियानो ब्लैक फिनिश मिलेंगे, और इनके ऊपर में इंडिकेटर्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं। सनरूफ जो है आप लोग को इस वाले वेरिएंट के अंदर में नहीं मिलेगी, पर जो इसको प्योर प्लस एस वेरिएंट आता है वहाँ पे आप लोग की सनरूफ भी आ जाती है, पैनोरामिक सनरूफ, और प्लास्टिक की रूफ रेल्स जो है यहाँ पे आ जाती हैं, और शार्क फिन का एंटीना भी आप लोग को इस गाड़ी के अंदर में मिल जाता है। बैक प्रोफाइल में क्या है, यहाँ सिर्फ आपको वाइपर ही मिलेगा, डिफोगर जो है आप लोग को यहाँ पे नहीं मिलता है, और पूरी कनेक्टिंग वाली टेल लाइट जो है गाड़ी के अंदर में आ जाती है, और यहाँ पे क्या है कैमरा भी जो है गाड़ी के अंदर में मिल जाता है, और यहाँ पे दो ही पार्किंग सेंसर जो है आप लोग को इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं। टेल गेट ना वैसे इस गाड़ी के अंदर में इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड वाली आती है, पर इस वाले वेरिएंट में क्या है आप लोग की मैनुअल ऑपरेटेड वाली ही मिलेगी। 445 लीटर का यहाँ पे आप लोग को बूट स्पेस मिल जाता है, और 60-40 स्प्लिट सीटें भी जो है गाड़ी के अंदर में आ जाती है। पार्शियल ट्रे जो है आप लोग को यहाँ पे नहीं मिलेगी, और जो स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट है ना वो यहाँ नीचे की तरफ में नहीं मिलती है, मतलब बूट के अंदर नहीं मिलती है, इसके नीचे गाड़ी के नीचे की तरफ में आप लोग को स्पेयर व्हील मिल जाएगा। और जैसे आप इसके अंदर में DEF को भरना चाहते हो ना, तो वो यहाँ से इसके अंदर में भरा जाता है। अब कई लोगों का ना ये रहता है कि भाई DEF है मतलब उस ज़्यादा मतलब खर्चा ज़्यादा बढ़ गया, पर ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर में जो 10-1 लीटर का DEF आता है ना वो इतना कोई कॉस्टली नहीं आता, 1,001 रुपये का आता है, और आपको 15,000 किलोमीटर आराम से वो चल जाता है। अगर आप गाड़ी को आराम चलाओगे, वहीं रफली चलाओगे, तो वो 7-8 हज़ार किलोमीटर ही ये चलता है। और देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पे कोई आप लोग को सबवूफर नहीं मिलता है, ये इसके ऊपर में सिर्फ यूं ही जाली आप लोगों को दी गई है। और स्पेयर व्हील देखो, यहाँ नीचे की तरफ में आप लोग को इसके अंदर में स्पेयर व्हील दिया गया है। अब ना इसके इंटीरियर्स में दिखाता हूँ भाई क्या क्या चीज़ें आप लोगों को मिल जाती है। यहाँ पे क्या है आप लोग को स्टॉप लैंप भी मिल जाता है, और यहाँ पे पूरे में फैब्रिक का यूज इसके अंदर मिलता है। और जैसे आप इस गाड़ी की देखोगे ना, तो बिल्कुल भाई टॉप मॉडल वाली मिलती है, लॉक अनलॉक टेलगेट को ओपन करने के लिए, और इसकी फॉलो मी हेडलैम्प को ऑन करने के लिए। और जो दूसरी की है वो भी आप लोग को यहाँ पे स्मार्ट वाली ही मिलती है। हाइट एडजस्टेबल सीट जो है आप लोग को इस गाड़ी के अंदर में मिल जाती है, और फैब्रिक की ही जो है यहाँ पे आप लोग को सीट अपहोल्स्ट्री मिलती है।
डेड पेडल भी जो है गाड़ी के अंदर में आ जाता है, बड़ा सा डेड पेडल है। पर अगर आप इस गाड़ी को मैनुअल ट्रांसमिशन लेते हैं वहाँ पे इस गाड़ी के अंदर में बिल्कुल ना के बराबर वाला सा ही डेड पेडल आप लोगों को मिलता है। इस साइड में इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच दिया हुआ है, पूरी डिजिटल में आप लोग को यहाँ पे क्लस्टर मिल जाते हैं, टैकोमीटर स्पीडोमीटर पूरा डिजिटल में यहाँ पे दिया गया है। इसके अंदर मैं इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ, ये ट्रिप की है, ये डिस्टेंस टू एम्प्टी है, ट्रिप है, ट्रिप भी है, बस ये इन्फॉर्मेशन है। ये फिर व्हीकल इन्फॉर्मेशन आ गई, DEF के लिए दिखा रहा है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पे दिया गया है, पावर एंड टॉर्क है, जी मीटर भी यहाँ पे दिखा रहा है, सर्विस इंटरवल है। अब दूसरे नेविगेशन है, जैसे इसके अंदर में दिखा रहे हैं ना एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले, जैसे आप मैं बताता हूँ जैसे वो आता है ना एप्पल कार प्ले के अंदर में उसका खुद वाला मैप वो इसके अंदर में यहाँ पे शो करता है, पर अगर गूगल मैप चलाओगे ना वो इसके अंदर में यहाँ पे शो नहीं करेगा। बाकी डायरेक्शन दिखा रहा है, मीडिया के लिए दिखा रहा है, नोटिफिकेशन है, बस ये इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे मिलती है। ऑटो हेडलैम्प जो है गाड़ी के अंदर में नहीं आते हैं और ना ही गाड़ी के अंदर में ऑटो वाइपर आते हैं, पर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आप एक चीज़ देख रहे हो कि पेडल शिफ्टर आप लोगों को मिल जाते हैं। और जो इस गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील है वो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट के साथ मिल जाते हैं, और इल्यूमिनेटेड यहाँ पे टाटा का लोगो दिया गया है। इसके ऊपर में जैसे देखोगे इस वाले बटन से क्या मैं इसकी MID कंट्रोल कर रहा था, और क्रूज कंट्रोल भी यहाँ पे आप लोग को मिल जाता है, और ये व्यू वाला बटन इसके मतलब जैसे जो व्यू है ना इसको चेंज करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। और इस साइड में म्यूजिक सिस्टम के आप लोगों को कंट्रोल यहाँ पे मिल जाते हैं। और जो ये गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील है ना ये आप लोगों को पूरा लेदर रैप में आप लोगों को मिलता है, यहाँ पे आप लोगों को टच स्क्रीन डिस्प्ले भी मिल जाती है। जैसे कि इसके बेजल्स देखोगे ना तो यहाँ पे आप लोग कुछ ज़्यादा से ही मिलते हैं, और बैक कैमरा की क्लियरिटी जैसे आप देखोगे तो भाई वो काफ़ी अच्छी सी आप लोग को मिल जाती है। 360 डिग्री कैमरा जो है गाड़ी के अंदर में आप लोगों को नहीं मिलता है। और इसके अंदर में भाई रिस्पॉन्स वगैरह तो भाई यूँ है, ठीक है, अब धूप में खड़ी है तो भी यूँ है, क्रिस्पीनेस तो ठीक है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी गाड़ी के अंदर में आ जाता है, पर वायरलेस चार्जिंग यहाँ पे नहीं आती है, एक USB मिल जाएगी, ऑक्स वगैरह नहीं आती है, और टेरेन मोड्स भी इस गाड़ी के अंदर में आ जाते हैं। रफ रोड मोड है, वेट मोड है, और ये आपका शायद रफ रोड ही है, वेट ही है, और ये नॉर्मल मोड यहाँ पे दे रखा है। ये आपका स्पोर्ट्स मोड है, इको मोड भी गाड़ी के अंदर में आता है। गियर नॉब देखने में बिल्कुल टॉप एंड वेरिएंट जैसा है, और इसके अंदर मैनुअली हैंड ब्रेक आप लोग को मिलता है। दो ग्लास होल्डर हैं, इसके अंदर में एक USB-C टाइप मिल जाएगा, 12 वोल्ट का शॉक किट भी यहाँ पे मिल जाता है। हर एक जगह पे गाड़ी में क्या है हार्ड प्लास्टिक का ही आप लोग को यहाँ पे यूज़ मिलेगा, बिल्कुल बेस वेरिएंट की तरह ही। और जो इसका ग्लव बॉक्स है वो कोई इल्यूमिनेटेड नहीं आता है, पर स्पेसिंग जो है बहुत अच्छे से मिल जाती है। सीट ऊपर होने के बाद में तो गाड़ी के अंदर में से जो विजिबिलिटी आती है ना काफ़ी बढ़िया से आ जाती है। अच्छा बड़ा बड़ा सा बोनट, अच्छा बड़ा सा डैशबोर्ड है, और कमांडिंग पोजिशन यहाँ पर रहती है। ORVM में से भी ठीक व्यू है, और सीट को थोड़ी सी और ऊपर करता हूँ भाई। इसके क्या है मैं मतलब लेवल से हल्का सा नीचे यहाँ पे बैठा हूँ, पर जैसे गाड़ी को भीड़ भाड़ में ड्राइव करेंगे ना तो शुरुआत में दिक्कत आएगी, पर यह बाद में आप इसमें एडजस्ट हो जाओगे। मैनुअल IRVM यहाँ पे मिल जाते हैं, LED में रीडिंग लैंप्स हैं, पैसेंजर साइड सनवाइजर में कोई मिरर लैंप नहीं मिलता है, और ड्राइवर साइड सनवाइजर में भी यहाँ पे कोई मिरर लैंप आप लोगों को नहीं मिलता है। अब दिखाता हूँ भाई सेकेंड रो में आप लोगों को कैसे का कम्फर्ट यहाँ पे मिल जाता है। ड्राइवर वाली सीट क्या है 6 फुट से भी ज़्यादा पीछे हो रखी है, उसके बावजूद गाड़ी के अंदर में जो नी रूम है काफ़ी अच्छा है, और जो लेग रूम है वो बढ़िया मिल जाता है, अंडर थाई सपोर्ट बढ़िया है, मतलब यूँ है 3 बंदे गाड़ी में आराम से बैठ सकते हैं। जो हम्प है थोड़ा सा उठा हुआ इसके अंदर मिलता है, और जो एयर के वेंट्स है वो यहाँ साइड में आप लोग को मिलते हैं, और 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी गाड़ी के अंदर में आ जाते हैं, पर बीच में यहाँ पे कोई आप लोग को आर्म रेस्ट जो है नहीं मिलता, आइसोफिक्स सीट भी जो गाड़ी के अंदर में मिल जाती है। और पीछे से कुछ ऐसे लगता है इस गाड़ी का इंटीरियर्स देखने में, रीडिंग लैंप यहाँ पीछे की तरफ में भी आप लोगों को मिल जाती है। और इस वाले वेरियंट में क्या है आप लोग को 6 स्पीकर्स का अरेंजमेंट यहाँ पे मिलता है। इस गाड़ी के अंदर में ना वही 2 लीटर का डीजल इंजन आप लोग को मिलता है, और इसके अंदर में अभी पेट्रोल इंजन नहीं आता जैसे मैंने आप लोग को बताया। ये 168 BHP और 350 Nm का टॉर्क आप लोग को निकाल के देता है, और जो माइलेज है वो हाईवेज पे आप लोग काफ़ी अच्छी से निकाल के दे देगा, मतलब 16 तक की माइलेज इजीली निकाल देगा। बाकी डिपेंड करेगा आप गाड़ी को किस तरीके से और किस टेरेन में ड्राइव कर रहे हो। तो गाइस ठीक है यही सब कुछ था आज की इस वीडियो में, वीडियो पसंद आने पर लाइक करना, चैनल में तो सब्सक्राइब करना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।